थ टी ओके ट्वेंटी फोर्थ सो इट स्टार्टिंग फ्रॉम नाइनटीन्थ ठीक है अभी एट डेज ऑल राइट सो लाइक मैं आप लोग को बेसिक आइडिया बता देती हूँ कि क्या क्या होता है उस दिन एंड पहले करियर फोकसडे यूज टू हैपन फिजिकली जैसे जाके होता था पीडब्ल्यू सी ऑफिस में या तो पीडब्ल्यू सी गुरुगांव और पीडब्ल्यू सी मुंबई

करते हैं उनको ये फाइनल डेटा उन्हें भेजते हैं ठीक है सो so, ये ऐसा होता है कि uh, सबसे पहले तो मैं नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है सबको वॉइस ऑडिबल है ना बिकॉज आई थिंक देयर इज अ नेटवर्क फ्लक्चुएशन आई मीन बिटवीन यू कुडंट बी ऑडिबल ओके जस्ट गिव मी वन सेकंड आई विल जस्ट चेंज द लोकेशन जस्ट गिव मी वन सेकंड

सिलेक्शन हो जाए एवरी डे के जो आपका अलग अलग डेट्स है उसके बाद दे विल टेक द डायरेक्टर ऑन अब इसमें करियर फोकस डे में क्या होता है फर्स्ट लेटर्स अंडरस्टैंड दिस इसमें सबसे पहले तो आप लोगों को एक आर्टिकल दिया जाएगा दैट आर्टिकल इज नॉट ऑफ जस्ट वन पेज काफी uh, सारा मटीरियल आपको देते हैं रीड करने के लिए नॉ दैट मटीरियल कैन बी फ्रॉम एनी करंट टॉपिक तो कोई भी आपका जो रिसेंट टॉपिक्स है uh, हो सकता है कि आपका कुछ uh, डेटा आज कल डेटा पे काफी ज्यादा वी आर टॉकिंग सो so, कुछ डेटा एंड एक्चुर रिलेटेड कुछ आ जाए या फिर कुछ हेल्थ कोविड रिलेटेड आ जाए सो एनी आर्टिकल एक हो सकता है केस स्टडी दे दिया आपको तो दे विल गिव यू आर्टिकल नॉट वन पेज का आर्टिकल नहीं अच्छा कंटेंट वाला देंगे मिनिमम सिक्स सेवन पेजे ऐसा कुछ देंगे रीड करने आपको वो आपको रीड करना है उसमें आपको नोट्स बनाने एंड देन यू हैव टू राइट अ आर्टिकल ऑन इट ठीक है तो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है आई एम थिंकिंग नहीं होगा क्योंकि ऑनलाइन है राइट right? तो ऑनलाइन में आर्टिकल क्योंकि आप कहीं से भी देख के थोड़ा बहुत वर्ड्स ले सकते हो तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो जो पहले पॉसिबल नहीं था जो फिजिकल सी uh, होता था uh, तो आई थिंक कि इस बार वो आर्टिकल राइटिंग वाला चीज हट जाएगा इंस्टेड ऑफ दैट वॉट विल हैपन आपका ग्रुप डिस्कशन होगा देर विल बी मिनिमम टू टू थ्री राउंड ऑफ ग्रुप डिस्कशन ठीक है टू टू थ्री राउंड ऑफ ग्रुप डिस्कशन जो होगा वो होगा अराउंड दिस आर्टिकल विच यू हैव रेड तो सपोज आपको एक आर्टिकल एक सिनेरियो दे दिया है कंपनी के बारे में कंपनी एक पर्टिकुलर सिनेरियो में है नाउ व्हाट डिसीजन द कंपनी विल मेक ठीक है uh, या फिर व्हाट डिसीजंस कंपनी के सामने तीन चार डिसीजंस हैं कौन सा लेना चाहिए समथिंग रिलेटेड टू दिस आपको बहुत अच्छे से रीड करना है नोट्स बनाना है एंड फिर वैसे ही उसके ऊपर आपका ग्रुप डिस्कशन होगा नॉट इन द ग्रुप डिस्कशन यू विल बी देर एंड हो सकता है जनरली इनका जो ग्रुप्स होता है वो काफी स्मॉल ग्रुप्स बनाते हैं तो एक ग्रुप में सेवन से ज्यादा लोग जनरली नहीं होते हैं। ठीक है so सो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ग्रुप है ना आपको टाइम कम मिलेगा बोलने ऐसा बिल्कुल नहीं होगा एक एक ग्रुप डिस्कशन 20 ट्वेंटी का डेफिनेटली चलेगा एंड यू विल एक्चुअली है अब क्या होता है ना ये ग्रुप डिस्कशन में आपका सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं इवन वेन यू नॉट स्पीकिंग देन ऑल्सो वॉट यू आर डूइंग आपका अटेंशन कहाँ है आप कहीं और तो ध्यान नहीं दे रहे हो ठीक है उसके बाद आप उसको लिख रहे हो पॉइंट्स को या तो आप खाली कंटिन्यूअसली नीचे नहीं देख रहे हो आप ऊपर देख रहे हो कैमरा में देख रहे हो जो कोई बोल रहा है उसको सुन रहे हो आप लोग नॉड कर रहे हो जब आपको कुछ समझ में आ रहा है तो ये सारे चीजों का दे मेक अ नोट देर इज वन इवेलुएटर वन और टू जनरली वन रहते है दो भी रहते हैं रहते हैं वो इवेलुएट करते हैं दे हैव लॉट्स ऑफ पॉइंटर्स कि जब आप बोल नहीं रहे हो तब आप क्या कर रहे हो आपका ध्यान कहाँ है आप क्या सोच रहे हो या फिर सामने वाला जो कुछ बोल रहा है उसको आप कैसे अगर सपोज जानवी इज सेइंग समथिंग वो मुझे सही नहीं लग रहा है तो क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं इतना ज्यादा घुस जाते हैं ग्रुप डिस्कशन में दैट दे मेक वियर्ड फेसेस एक होता है ना इरिटेशन वाला फेसेस बनाते हैं वो नहीं करना है एंड यू अभी आप लोग सोच रहे हो बट क्या होता है ना कि यू आर सो मच इन प्रेशर ऑफ गेटिंग दैट जॉब कि वो प्रेशर आपको हिट कर रहे हैं कि नहीं दैट इज

वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर कोई कुछ बोल रहा है जो कि आपको ठीक नहीं लग रहा अगर आपको उसको बीच में कट शॉर्ट करना है तो आप कैसे उसको कर रहे हो एक होता है स्ट्रेट अवे अगर आप उनको ब्लेटेंटली बोल रहे हो कि आई डोंट आई डोंट अग्री विथ यू वॉट यू आर से रॉन्ग एक ऐसे होता है एक होता है कि आप उसको समझा के बोलते हो दैट अकॉर्डिंग टू वट आई बिलीव

सेकेंड में आप फेमुलराइज हो चुके हो आप बहुत कंफर्टेबल हो चुके हो आप जैसे ही कंफर्टेबल हो चुके हो थर्ड वाले में क्या करेंगे थर्ड वाला एंड व्हाट दे डू इज ऐसा भी नहीं कि चलो 15 चल तो 15 मिनट्स 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 का ग्रुप डिस्कशन चल रहा है तो तक चलेगा मे बी के बाद दे कशॉर्ट एंड दे विल आस्क यू चलो थ्री ऑफ यू यू विल गो टू दिस पर्टिकुलर ग्रुप नाउ एंड थ्री ऑफ यू न्यू थ्री ऑफ थ्री पीपल आर कमिंग टू दिस ग्रुप तो ऐसा भी करते हैं ताकि क्या होता है कि आप इस ग्रुप के साथ जब कंफर्टेबल हो गए अब आपको जब नए ग्रुप में भेज रहे हैं तो आप उनके साथ आपका कंफर्ट लेवल तुरंत आता है कि नहीं एंड आपको तुरंत ही नया सीनारी दे, दे देंगे सपोज टेन मिनट्स तक वी आर टॉकिंग ऑन सम टॉपिक समॉप मिनट्स के बाद एक कोई आया एंड आपको बोलता है कि देर इज सम अर्जेंट मीटिंग विच यू हैव टू अटेंड रिलेटेड टू सम अर्जेंट टॉपिक आपको ले गए उधर से तीन जन को सपोज सिलेक्ट करके ले गए एंड एक नया टॉपिक दे दिया बोला इस पे फाइव मिनट्स यू हैव टू थिंक अब इस पे आप अपना वो करो ग्रुप डिस्कशन दो इधर सो आर यू अंडरस्टैंडिंग कितने प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका कितना है अब बहुत लोग यहाँ डर जाएंगे कि क्या है अभी तो हम इधर घुसे हुए थे पूरा अंदर घुसे हुए थे एकदम इंटरव्यू इसमें बीच में इस पर्टिकुलर डिस्कशन में नाउ मे बी यूर टॉकिंग समथिंग रिलेटेड टू कोविड अब सडनली यूर टॉकिंग समथिंग रिलेटेड टू वेरी नाइस टॉपिक यूर टॉकिंग अबाउट तो वो एक दे वांट टू सी कि अगर कुछ इसमें दे चेकिंग चेकिंग आर दैट अगर सडनली सम न्यू वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइंट कम्स इन तो आप उसको डील कर सकते हो कि नहीं राइट इफ सडनली अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कम्स इन आप उसको तुरंत डील करने के कैपेसिटी में हो कि नहीं दिस इज वॉट दे आर चेकिंग सो एक अंडरलाइन चीज जो आप लोग को मन में ध्यान रखना है इवन इफ आपको आर्टिकल से उतना कुछ नहीं समझ में आ रहा है आप उतना वैलिड कोई 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 होते हैं ना वो एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं लाइक दे आर वेरी इंटेलिजेंट वेरी वेरी इंटेलिजेंट उनको सब कुछ पता होता है ग्रुप डिस्कशन में और वो बहुत कुछ बोलते जाते हैं बहुत बोलते जाते हैं एंड आपको लगेगा अच्छा इनको ये टॉपिक्स आ भी कहाँ से रहे हमें तो सोच भी नहीं पा रहे हम ये टॉपिक्स यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट डेफिनेटली उनका ये पॉजिटिव पॉइंट है अगर आपको कुछ टॉपिक नहीं भी आ रहे ना

ये तो वो देखते हैं कि आपका टाइम पे ध्यान था कि नहीं आप कितना पोलाइटली कुछ बोलते हो ठीक है आप एरोगेंट नहीं हो आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है देन यू आर मेकिंग अ नोट ऑफ अदर्स आर वर सींग सपोज मैंने कुछ बोला देन चिदायू ने कुछ बोला श्रेष्ठ ने कुछ बोला एंड देन जानवी का टर्न कम्स अप ऐसा टर्न वाइज नहीं होगा यू हैव टू स्पीक आपको कोई बोलेगा नहीं बोलने इवेलुएटर इज समन हु इज इनविजिबल वो आप उसको अच्छा इवेलुएटर को मत देखना प्लीज जो बोल रहे ना उसको देखना जो इवेलुएटर है उसको देख देख के ये मत सोचना मन में कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं दिस इज वेरी डिस्ट्रैक्टिंग उनका भी कैमरा ऑन रहेगा मोस्ट प्रॉबली अगर उनका कैमरा ऑन रहेगा तो आप उनको मत देखो क्योंकि अगर आप उनको देखोगे तो आपके आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे कि वो क्या सोच रहे हैं

ऑब्वियसली आप सबको तो नहीं पहचानोगे वहां पे तो मैं नाम लेके बोलूंगी दैट मेंशन दिस पर्टिकुलर लाइन चिराई यू पर्टिकुलर पॉइंट तो एक क्या होता है पर्सनल टच बोलते हैं उसको अपने ऐसे नहीं बोलेंगे फेलो कलीग uh, या फेलो पर्सन टोल दिस फेलो टीम मेट टोल दिस ये सब नहीं बोलना है आपको ठीक है आपको नाम लेके उस इंसान का बोलना है कि उसने क्या क्या बोला है ठीक है तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि यू ऑल्सो हैव अ पर्सनल टच और ऐसा भी नहीं कि बिना मतलब का स्माइल किए जा रहे हो पूरे इंटरव्यू या उसके दौरान नहीं बिना मतलब का कर स्माइल करके क्या फायदा जब आपको लगे कि कोई बंदा सामने से बोला है ऐसा कोई बात कॉमेडी वाला और तब तो आप स्माइल कर सकते हो अगर आपको स्माइल आ रहा है बट ऐसा नहीं कि आप जस्ट टू इम्प्रेस द वैल्युएटर आप स्माइल करते हुए बैठ गए वो भी नहीं करना है सो फेशियल एक्सप्रेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एकदम आराम से कोई भी पॉइंट बोलोगे लाउडली कि उसको सुनाई दे मेक श्योर इंटरनेट कनेक्टिविटी एकदम सही हो मेक श्योर sure आपका आपने अच्छा सा सेटअप यूज करा हुआ है एंड रूम में कोई आया नहीं है अपर बॉडी ऑब्वियसली आपका दिखेगा तो मेक श्योर sure आप अच्छे से ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा फॉर्मल है बट येस yes, थोड़ा आपको वेल प्रॉपरली शर्ट पहन के अगर आपका मन है आप एक ओवरकोट पहन सकते हो अगर आपको गर्मी नहीं लगे ऐसा नहीं कि बीच में पसीना आने लगे एग्जाम मीटिंग के दौरान and you can't open that. बैठो अगर आप पहन सकते हो विद्डिगन uh, या समथिंग लाइक दैट तो ही पहनो डो नॉट वेयर एनी नॉर्मल कार्डिगन अगर आपके पास कोट है uh, तो कोट ब्लैक कलर का डेफिनेटली पहन सकते हो ब्लू वट जैकेट फॉर्मल जैकेट जिसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल जो घर पे पहनते हैं वोमन विल नॉट लुक गुड प्रोपरली फॉर गर्ल्स योर हेयर शुड बी प्रॉपर लाइक ऐसा नहीं कि मुंह पे आ रहा है पीछे बांधना है आराम से पीछे बांध के फॉर बॉयज सेम थोड़ा अगर आपको शेव करना है एंड कीप इट नीट आप लोग वैसे रखना ऐसा नहीं कि मुंह पे बाल आ रहे हैं ये सब नहीं क्योंकि प्रेजेंटेबल दिखना है याद रखो पी डब्ल्यू में क्यों उनका ये नंबर ऑफ पेपर्स इज नेवर द रिक्वायरमेंट उनका ये सारा चीज रिक्वायरमेंट में आता है कि आप कैसे प्रेजेंट करते हो आप कैसे बोलते हो आपका नेचर कैसा है इनसे आपके वैल्यूज दिखते हैं ठीक है इनसे आपका वैल्यू समझ में आते हैं कि आपके इनबिल्ट वैल्यूज कैसे वो वैल्यूज पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं पीडब्ल्यू ठीक है तो ये आपका रहेगा अब सो मेन थिंग विच यूल डू ट योर करियर राउंड रहता है फॉर एग्जांपल आपने कहाँ से पढ़ा कितने पेपर्स हुए हैं अगर आप कर रहे हो एक्चुअली क्या कर रहे हो आपके क्या इंटरेस्ट है आप अधिन स्टडीज और क्या कॉलेज में आपने पार्टिसिपेट किया है या Where have you given your, uh, you know, time and effort to other than studies only? If you like cricket, you can talk about that. If you have worked for an NGO, you can talk about that. So, uh, हो सकता है कि generally अभी तो uh, Indians only take हो सकता है। आपका personal interview कोई एक foreigner ले। हो सकता है मेरे को लग रहा है इस बार अभी and पहले भी हुआ हुआ है, so someone from UK. माई टेक योर इंटरव्यू अब क्या दिक्कत है उनका एक्सेंट उनका एक्सेंट आपको पकड़ने में दिक्कत आएगा तो एंड ये डेफिनेटली आएगा ही आएगा सो मेक श्योर कि आप ध्यान से सुनो ठीक है उसके लिए आप क्या करो उसके लिए यूट्यूब में सर्च इंटरव्यू वीडियोज या फिर ब्रिटिश इंटरव्यू वीडियोज तो क्या होगा ना वेन यू लिसन टू दैट अगर आप अभी सडनली कोई ब्रिटिशर आ गया उनका एक्सेंट इज कम्प्लीटली डिफरेंट और वो बोलते भी अजीब तरीके से बहुत फास्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में तो वो आपको कैच करने में डिफिकल्टी होगा बट अभी यूट्यूब पे अगर आप एवरी डे से ट्वेंटी मिनट सुन लोगे कोई एक ब्रिटिशर को बोलते हुए दो देखना की दो लोग बात कर रहे हो ऐसा कुछ वीडियोज अगर आपको मिले मै भी ग्रुप में आई सेंड तो uh, दो लोग बात करें देर टॉकिंग इन ब्रिटिश इंग्लिश तो क्या होगा एंड ट्राई टू तो डोंट रीड द डू यू कॉल जो uh, कैप्शन होते हैं वो मत पढ़ना वो ऑफ कर देना कैप्शन को सीसी को एंड ट्राई टू लिसन एंड अंडरस्टैंड क्योंकि अगर आपका इंटरव्यू यूके टीम से कोई लेता है तो आपको डिफिकल्टी होगा उनको समझने में फॉर श्योर sure. तो वो ओवरकम करने के लिए अभी से एवरी डे ट्वेंटी मिनट्स के अराउंड सुनो खाली सुनो एंड उस एंड दे आर वेरी नाइस ऑल्सो तो ऐसा नहीं कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप ब्लैंक मत हो जाना आप बोलना उनको कि सॉरी पार्डन सॉरी आई कुंडोर सॉरी कैन यू रिपीट द क्वेश्चन पार्डन ऐसे आप बोल सकते हो ठीक है ऐसा भी नहीं कि पूरे टाइम ही बोल रहे हो बट बीशेष में आप बोल सकते हो कोई वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है वो चीज़ है एंड एक चीज उनका फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आता है तो इंडियंस क्या करते हैं सपोज शेष ने कुछ मेरे को बोला मैं उसके बाद से मेरे को सुन के अच्छा लगा तो मैंने स्माइल किया तो उससे उसको लगेगा कि हाँ आई एम है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वो खुश हैं आपके आंसर से या वो सैटिस्फाइड हैं, वो भी आपको नहीं समझ में आएगा जैसे इंडियंस का बहुत एक्सप्रेसिव मेरा फेस देख के आपको समझ में आ जाता है कि यू नो वेदर आई एम सेटिस्फाइड विद आंसर या फिर यू you नो know, एक सोकास्टिक वाला मैं फेस बनाऊ कोई वो कुछ नहीं करते वो बैठे रहते हैं उनका एक्सप्रेशन एक जैसा रहता है पूरे टाइम वो कोई एक्सप्रेशन नहीं बनाते उनको देख के आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वेदर दे आर सैटिस्फाइड और वेदर दे आर नॉट सैटिस्फाइड बट यू डोंट डोंट हैव टू लूज योर फोकस क्योंकि हो सकता है दिस इज योर फर्स्ट इंटरव्यू विथ समवन विच अ फॉरनर इज टेकिंग नॉट अ इंडियन पर्सन तो आपको एकदम आपको भले ही सामने से आप भी ज्यादा एक्सेसिव स्माइल मत देना ठीक है सम वेर और दी अदर वेर यू वॉन्ट यू कैन गिव यर स्माइल्स कोई दिक्कत नहीं है टॉक वेरी पोलाइटली वेरी सॉफ्टली वो बहुत अच्छे होते हैं बहुत अच्छे से बात करते हैं अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में वो बोलते हैं बल्कि इंडियंस इरीटेड हो जाते हैं वो एकदम नहीं होंगे इरिटेट अगर आप उनसे दोबारा क्वेश्चन पूछोगे वो नहीं होंगे जस्ट दैट मैंने आप लोग को एक पहले ही बता दी कि वो उनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं रहता जनरलीव सीन दिस स्पेशली मेल इंटरव्यूअर्स उनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं रहता एकदम एक्सप्रेशन लेस होता है ठीक है सो मेक श्योर कि आप Uh, वो चीज से नर्वस नहीं हो जाओ क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी मुझे एक दो लोगों ने बोला था कि वो एकदम मतलब ब्लैंक था फेस तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं उसको समझ में आ रहा है कि नहीं या यू you नो know, वो uh, खुश है कि नहीं तो वो आपको नहीं सोचना है मन में आपको खाली अपना आंसर बताना है राइट वेरी इंपॉर्टेंट टेल मी अबाउट योर वापस से पूछा जाएगा आपसे uh, आपने कॉलेज में क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर्स किया है अगर आपने कुछ भी नहीं किया ट्राई टू गेट सम जैसे कि आप बोल सकते हो आप आपको क्रिकेट का इतना शौक है कि आप क्रिकेट इतना फॉलो करते हो टॉक अबाउट योर फेवरेट प्लेयर टॉक अबाउट योर फेवरेट मैच विच है आपको क्रिकेट पसंद है अगर आपको कुकिंग पसंद है टॉक अबाउट दैट हाउ डिड यू स्पेंड योर लॉकडाउन टॉक अबाउट वट यू एक्चुअली डिड अब बहुत लोग होते हैं जिनके पास बहुत इनोवेटिव आइडियाज आ सकते हैं बहुत लोग होते हैं जिनके पास इनोवेटिव कुछ किया ही नहीं उन्होंने ठीक है तो उनके पास कुछ आता नहीं तो आपको सोचना पड़ेगा अभी से कि ये सब क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि आपने लास्ट टू ईयर क्योंकि आप घर से पढ़े थे सो यू हैड ट्रेवलिंग टाइम आपका काफी सेव हुआ तो आपने उस समय क्या किया ठीक है तो ये भी क्वेश्चन लास्ट टाइम भी पूछा था उनसे कि जब लास्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वॉज कम्प्लीटली फ्री आपने क्या किया इस टाइम पे सो वॉट विल से तो एक थी उसने बोला कि यू नो शी ट्राइड कुकिंग डिफरेंट थिंग्स शी कनेक्टेड अ फैमिली एंड शी वेंट थ्रू एंड वैसा चीज भी आपको बोलना है ठीक है कि आप क्या <clears throat> क्या आपका क्या आपने किया है तो वो सब भी ये भी क्वेश्चन हो सकता है इसके बारे में भी आप लोग को सोचना चाहिए um, उसके बाद टेल मी अबाउट योर सेल्फ डेफिनेटली पूछेंगे ही पूछेंगे क्योंकि उनसे उससे आपका एक्चुअली दिखता है कि you know how, uh, your, एक uncomfortable, अगर आप हो रहे हो इस क्वेश्चन से तो मतलब फर्स्टली यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर अगर आपसे कोई भी पूछे टेल मी अबाउट योर एंड दैट पर्सन गेटिंग अ लिटिल यू नो समझ में आ जाते हैं फेस से हल्का नर्वसनेस कहीं दिखता है मतलब कि आप खुद से कॉन्फिडेंट नहीं हो तो वो आपको बिल्कुल नहीं रखना है यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट वेन यू इवन इफ यू हैवन डन एनी ग्रेट थिंग्स या फिर आपने बहुत कुछ नहीं किया है कुछ भी नहीं किया है बट स्टिल आप कितने कॉन्फिडेंट हो अपने स्किन में वो वो बहुत ज्यादा देखते हैं फिर आपने लॉकडाउन में कैसे उसको यूटिलाइज किया टाइम को वो आपको बोलना है आपने कितने पेपर्स दिए अब अगर आपने पेपर्स दिए हैं तो आपसे डेफिनेटली पेपर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने जितने भी ऐसा नहीं हाँ ऐसा क्या करते हैं ना वो आपसे पूछते हैं कि वॉट इज योर फेवरेट पेपर जनरली सम ऑफ द इंटरव्यूअर्स दे आस्क यू आपका इनमें से कौन सा आपने तीन पेपर्स क्लियर किया सी एम वन सी एस वन सी एस टू तो आपसे पूछा गया कि कौन सा फेवरेट पेपर है अब बहुत बार क्या होता है कि हम इस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर नहीं होते तो हम जो अपने हमें अभी हमने जो पेपर दिया है सपोज हमने अभी सीएस टू दिया है तो मैंने बोल दिया कि सीएस टू आई एम कॉन्फिडेंट विथ सी एस टू मैंने ऐसे बोल दिया अब वो पूछ लेंगे सीएस टू से भयानक भयानक क्वेश्चन ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे पूछ लेंगे एकदम गेस्टिट पूछ लेंगे स्टेटिस्टिकल क्वेश्चन एकदम हाई फाई क्वेश्चन पूछ लेंगे जनरल इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे बट आपको नर्वस नहीं होना द मेन की थिंग ओवर हियर इज आपको नर्वस नहीं होना है दैट इज एक्चुअली स्क्रूइंग अप योर इंटरव्यू अब आप बोल दोगे सीएम टू सी एम टू में बोल देंगे लेके बैठना प्लीज एंड मुझे uh, इसका पुट ऑप्शन एंड दे विल गिव यू सम समेरास इसका ग्राफ बना के दिखाओ अब आपको कुछ दिमाग में नहीं आ रहा अब ब्लैंक सो ओनली मेरे ख्याल से सजेशन रहेगा सीएम वन का, का. क्यों क्योंकि सी एंड वो भी तब आपने अगर अच्छे से रिवाइज कर रखा है तो जो पेपर आपने बहुत अच्छे से रिवाइज कर रखे है वो ही बोलना कीप इट सी बी वन और सी बी टू एनी इजी पेपर यू कैन ऑल्सो से दे विल आस्क यू ऐसा नहीं है की सीबी वन बोल दोगे और फेवरेट पेपर तो उनके पास क्वेश्चंस नहीं आएंगे उनके पास मल्टीपल क्वेश्चंस है हर पेपर से रिलेटेड ठीक है तो मेक श्योर आप कोई वही पेपर का नाम लो ऐसे नहीं कि एक्साइटमेंट में डिफिकल्ट पेपर का नाम ले दिया वही पेपर का नाम लो जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट हो दैट इज वन थिंग अब अगर इंटरव्यूअर उतना ज्यादा अच्छा नहीं है और आपसे नहीं पूछे आपका फेवरेट पेपर ही विल आस्क यू आपने कितने पेपर्स क्लियर किए एंड दे विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस ऑन योर नंबर ऑफ ऑन दोज पेपर्स सो मेक श्योर अभी जो आपके पास सेवन एट डेज हैं यू रिवाइज योर पेपर अब आप कैसे रिवाइज करोगे आपके पास मटेरियल सबके पास है

प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं ठीक है तो आप हर एक चैप्टर का पीछे का जो समरी है मेक sure आप उसको अच्छे से पढ़ लो एंड क्लास का नोट्स आपके पास है उसको अच्छे से पढ़ो एंड कुछ कुछ चैप्टर हैं जिन जैसे सीएमएन में प्रोफेटेस्टिंग यूलिप यू ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं तो ये सारा पढ़ो तो अगर आपसे फेवरेट पेपर पूछा जाए अभी से सोच लो कि कौन सा फेवरेट पेपर आप बोलोगे उसको बहुत अच्छे से पढ़ लो एंड बाकी को ऑब्वियसली एक बार रिवाइज करना right? है ये आपको करना, ये होता है यू क्लियर योर ऑफ ग्रुप डिस्कशन। अब क्या होता है ना वो फर्स्ट ग्रुप डिस्कशन के बाद ही रिजल्ट नहीं देते हैं वो दो से तीन ग्रुप डिस्कशन सबका देखते हैं उसके बाद वो बोलते हैं वेद यू आर सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड और नॉट क्लियर डिरेक्टर राउंड कम्स एट दी एंड वो जो कि हमेशा अंडर डायरेक्टर भी ऐसे भी क्वेश्चंस पूछता है पेपर रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस अब एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस टेल मी अबाउट योर फैमिली ठीक है टेल मी अबाउट योर पेरेंट्स आपका भाई क्या करता है आप हाउ मेनी सिब्लिंग्स यू हैव व्हाट दे डू व्हाट योर पेरेंट्स डू व्हाट यू नो आपका घर पे कितने लोग हैं सो ड्यूरिंग द लॉकडाउन हाउ डिड यू मैनेज स्टेइंग एट होम पूछेंगे ऐसा क्वेश्चन ही पूछते हैं वो देखते हैं कि आप कितने कंफर्टेबल हो अपने मतलब आप अपना थॉट्स शेयर करने में कितने कंफर्टेबल हो आपको कोई एक सिचुएशन दे सकते हैं कि यू नो यू आर इन पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन आप बताओ आप कैसे इस पे रिएक्ट करोगे हैव यू एवर यू नो बीन अ पार्ट ऑफ एन एनजीओ इफ नॉट नो प्रॉब्लम ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछेंगे इफ यू हैव बीन शेयर हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे टेल एनी वन एक्सपीरियंस ऑफ योर्स विच changed your mindset yeah which changed uh, your outlook definitely pushing uh, share one of your experiences which proved to be very a life-changing experience for you पूछ सकते हैं पूछते हैं पूछ सकते नहीं पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन फिर ना इसी के अराउंड पूछेंगे आपसे तो सपोज आपने बोल दिया सपोज मेरे से जब पूछा मैंने बोला कि आई या फिर द वे यू लुक एट द सोसाइटी या फिर योर आउटलुक टूवर्ड्स अ सोसाइटी चेंज और योर मीनिंग ऑफ लाइफ चेंज ऐसा कुछ पूछेंगे वन पर्टिकुलर सिचुएशन वन पर्टिकुलर यू तो इसमें आप कुछ भी बोल सकते हो सपोज आई हैव सीन स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमारा जो आप लोग जेवियर्स में हो सब, है ना? जो नहीं है जो नहीं है, ठीक है जो नहीं भी है तो क्या होता है ना प्रेजेंटेशन देते हैं हम स्कूल में या फिर कॉलेज में भी गिफ्ट प्रेजेंटेशंस, राइट तो वो प्रेजेंटेशन क्या होता है हमें सबके सामने देना पड़ता है सो वन पर्सन सेट दैट आई वॉज वेरी नर्वस बींग ऑन द स्टेज तो उसको उसने कैसे ओवरकम करा

एकदम डिटेल्ड में बोलो जो भी बोल रहे हो अपने लाइफ के बारे में एकदम डिटेल्ड में बोलो हाउ दैट दैट थिंग इवेंट चेंज यू ठीक है एंड हाउ इट इट हैज हेल्पिंग यू इस पे वो काफी डिस्कस करते हैं वो ना इसके सराउंडिंग में आपसे और क्वेश्चन पूछेंगे तो okay, run, कि आप और क्या कर सकते हो फॉर द सोसाइटी ठीक है तो समवेयर अराउंड दिस तो सपोज कोई बोलता है ना कि मैंने अपना पब्लिक स्पीकिंग इंप्रूव किया मैंने लोगों के सामने बोलना तो वो आपसे पूछेंगे कि अच्छा बताओ आप और कैसे इसको इंप्रूव करोगे ठीक है कैन यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ टेन इंडिविजुअल या फिर आपके पास एक बहुत एक थॉट है वो थॉट बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग है बिटवीन द मैनेजर एंड द डायरेक्टर विल यू पुट फॉरवर्ड दैट थॉट कैसे पुट फॉरवर्ड करोगे तो वो अब आपको आपके बात में रिलेटेड आपके ही इवेंट से रिलेटेड काफी सारा क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे ठीक है सो दिस इज डेफिनेटली देयर विच हैपन्स उसके बाद और बोलेंगे फाइव इयर्स डाउन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हमेशा पूछते हैं फाइव इयर्स डाउन द लाइन वेर डू सी योर सेल्फ विद रिस्पेक्ट टू द कंपनी एंड विद रिस्पेक्ट टू योर ओन सेल्फ ठीक है तो आप अपना करियर ऑब्जेक्टिव्स बताओगे कि मेरा करियर ऑब्जेक्टिव्स क्या है एंड वो कंपनी के साथ कैसे लाइन अप करता है तो सपोज मैं बोलूंगी आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ एज एन एक्चुअली एज अ फुली क्वालिफाइड एक्चुअली एंड एट अ वेरी गुड पोजिशन इन द कंपनी ठीक है तो वो आपको बोलना वैसे नहीं बोल देना आई वॉन्ट टू सी इन प्लेस ऑफ द डायरेक्टर ऐसे नहीं बोल देना, देना एकदम से कि आपके जगह पे मैं खुद को देखना चाहती हूँ ये सब मूवी में होता है यू हैव टू लाइक आई आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ एन अ वेरी गुड पोजिशन इन द कंपनी

तो आपसे पूछते हैं कि आर यू इंटरेस्टेड अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो यू हैव टू टॉक अबाउट दैट ऑल्सो या आप खुद से भी बोल सकते हो कि मेरा बहुत मन है लाइक like आपसे पूछे डाउन लाइन आप पे देखना चाहते हो खुद को तो आप बोल सकते हो कि मेरा बहुत मन है टू मूव अब्रॉड या टू यू नो टू हैव सम वर्क एक्सपीरियंस इन अब्रॉड एज वेल ऐसा नहीं कि परमानेंटली शिफ्ट हो रहा है बट आई वॉन्ट टू वर्क देर एज वेल सो इफ आई कैन गेट दैट अपॉर्चुनिटी थ्रू पीडब्ल्यू सी फाइव ईयर्स डाउन द लाइन आई विल ट्राई टू प्रूव माई सेल्फ विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो ये सारा क्वेश्चन एट दी एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए प्लीज ऐसे पसीना पसीना मत आने देना आपको उसको सोचना है अगर नहीं बोल पा रहे हो मुंह पे बोल दो कि आई एम आई एम नॉट एबल टू यू नो थिंक ऑफ एन आंसर टू दिस क्वेश्चन आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस आई कैन नॉट यू नो कम अपल्यूशन लाइक नाउ ऐसा कुछ आपको मुंह पे बोल देना ठीक है तो ये चीज करना कभी भी बहुत ज्यादा नर्वसनेस फेस पे दिखने मत देना हो सकता है इन राउंड uh, में आप काफी ज्यादा नर्वस हो जाओ बट वो नर्वसनेस मत दिखाने देना बिकॉज दैट इज पर्सनल वन टू वन फर्स्टली सेकेंडली इट्स विद द डिरेक्टर ऑफ पीडब्ल्यू सी एंड हो सकता है कि वो डायरेक्टर जनरली बहुत अच्छे होते हैं ये बहुत अच्छे से बात करते हैं बट हो सकता है कि कुछ वो ऐसा आपको ग्रिल कर दे तो आप थोड़ा Uh, होते हैं ना कि नर्वस हो जाओ तो वो खुद को ओवरपार मत करने देना राइट एंड बात करें तो अब आप लोगों को सबसे पहले ऑब्वियसली आप लोग को ग्रुप डिस्कशन क्लियर करना है तीनों कैसे मैंने बहुत सारा टिप्स आप लोगों को स्टार्टिंग में जो दिया है वो तो है ही उसके साथ साथ वॉट ऑल थिंग्स यूल अभी यूट्यूब पे आई विल शेयर सम विडियोज इन द ग्रुप स्टार्ट वॉचिंग विडियोज ऑन ग्रुप डिस्कशन कि आपको कैसे ग्रुप डिस्कशन में बैठना चाहिए वॉट शुड बी योर पोस्टर स्ट्रेट बैठना है झुकना नहीं है तो मेक श्योर sure ये जो आपका लैपटॉप हो वो आई लेवल पे हो प्रॉपरली uh, मैंने बोल दिया वो तो ड्रेस एवरी होना चाहिए पेन पेपर हो नोट्स बनाए दूसरे क्या बोल रहे हैं वो ध्यान दे टाइम पे ध्यान दे ऐसे घड़े ऊपर उनके फेस पे मत करके देखना बहुत ही गंदा लगता है आपके पास लैपटॉप में नीचे टाइम है आप वहां टाइम देख के वहां बोलना की वी जस्ट है फाइनल कंक्लूजन गिव द फाइनल स्टेटमेंट अगर आप कुछ नहीं बोल पाए हो सकता है कि आप बहुत नर्वस हो गए है ना पूरे मीटिंग के दौरान कुछ भी नहीं बोल पाए डिस्कशन के दौरान तो एंड में वॉट यू कैन डू इज यू कैन ट्राई टू कंक्लूड लाइक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर पीपल वो क्या बोल सकते हैं कि ओके नाउ जस्ट वी हैदर एडवांटेजेस प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सिनारी बट ऐसा नहीं कि आप बीच में नहीं बोलोगे प्लीज ट्राई टू स्पीक क्रॉस कट मत करो किसी को जो कुछ बोल रहा है उस पे ऊपर चिल्ला के कुछ मत बोल दो कि अरे तुम गलत बोल रहे हो ऐसे ऐसे नहीं बोलना है पोलाइटली अगर किसी को कट भी करना है लेट दैट पर्सन स्पीक फॉर टू थ्री मिनट्स अगर आप देख रहे हो कि बंदा रुकने वाला नहीं है ये बोलते ही जाने वाला है होते हैं कोई कोई लोग जिनको ना खाली ऐसा बहुत ज्यादा एंथ होते हैं उन, होते, होते हैं उनमें वो उनको लगता है कि वो भी सिलेक्ट हो जाए बस तो वो बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं वो रुकते ही नहीं है उनके पास दुनिया का पॉइंट है वो एक ही पॉइंट को मे भी रिपीट किए जा रहे हैं तो बीच में आप उनको एक अच्छे से प्रॉपरली बोल सकते हो कि ओके नाउ आई थिंक वी शुड गिव लाइक वी शुड हैव अदर्स टू टॉक अबाउट द सेम थिंग अदर्स कैन अदर्सो ऐसे नहीं वी शुड गिव अदर्स चांस नहीं आप रूड हो रहे हो उसके ऊपर नहीं आप ऐसे बोल सकते हो ओके सो वी सो आई अंडरस्टैंड व्हाट ऑल यू आर सेइंग योर पॉइंट्स आर करेक्ट लेट मी पुट व्हाट आई थिंक एंड देन वी कैन हैव वन बाय वन पीपल स्पीकिंग ऑन अबाउट द टॉपिक राइट अबाउट द एडवांटेजेस अबाउट द

एक मिनट का साइलेंस दिया अगर कोई कुछ नहीं बोलते तो आप अपना बोलना स्टार्ट कर दो ठीक है तो दिस इज अस वे ऑफ कटिंग द पीपल ये हो सकता है एक चीज पर उसको बोलने दो पहले दो तीन चार मिनट फिर आप उसको कट करो ऐसा नहीं कि पहले ही कट कर दिया ये एक है इसके बाद काफी आ, अच्छे से बोलना है जब भी कोई पॉइंट बोल रहे हो उसको पहले सोच लो कि आप ना ऐसे से बोलोगे ऐसा नहीं कि जब आपने बोलना स्टार्ट करा फंबल करने लग गए अगर आपको इंग्लिश नहीं भी ठीक से आ रहा अभी टाइम है टेन डेज में भी यू कैन इम्प्रूव ऑन योर इंग्लिश ऐसा कोई बात नहीं है कैसे कर सकते हो स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश कैसे अपने माइंड में ही स्टार्ट टॉकिंग विथ योर सेल्फ इन इंग्लिश क्योंकि सबसे ज्यादा हम अपने आप से ही बात करते हैं राइट यू ऑल नो इट आप लोग ऐसा नहीं पूरा टाइम अपने फ्रेंड्स या पूरे टाइम अपने फैमिली में सबसे बात करो मन में काफी सारा थॉट्स चलते रहता है चलते रहते सो ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश विथ योर दैट इज द बेस्ट वे ऑफ इंप्रूविंग ऑन इंग्लिश चाहे आप किसी से भी फ्रेंड से बात कर लो घर पे किसी से भी बात कर लो बेस्ट वे ऑफ इम्प्रूविंग योर इंग्लिश इज टू टॉक इन इंग्लिश विद योर ओन सेल्फ ठीक है तो आप खुद से ही जब इंग्लिश में बात करोगे यू विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों बता रही हूँ क्योंकि आपके पास पॉइंट्स काफी अच्छे हैं बट क्योंकि आपका इंग्लिश कमजोर है आप बोल नहीं पा रहे और अगर आप बोलना स्टार्ट करो और फंबल करो अब एक बार ही कोई फंबल कर गया वो नेक्स्ट टाइम उसके पास कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं बोलने का

सेकेंड थिंग नो लाइन इन इंग्लिश एक भी हिंदी सॉरी हिंदी यूज ही नहीं करना है पीडब्ल्यू सी यू है तो आर्टिकल अगर बाई चांस लिखने बोले तो होता है कि आपको वन आवर का टाइम देते हैं बोलते हैं आर्टिकल लिख के सबमिट करो अगर ये होता है आर्टिकल राइटिंग आता है हम बहुत बारी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में हिंदी में कोई स्लोगन लिख दिया नहीं लिखना है नो वर्ड नो लेटर नो सेंटेंस इन हिंदी बिकॉज इट्स पीडब्ल्यू सी यूके सो नो नो लाइन सेंटेंस क्योंकि ऐसा हुआ था आर्टिकल में एक स्लोगन लिख दिया हिंदी में क्योंकि हम लोग जब स्कूल में ऐसे राइटिंग करते थे तो हम ऐसे कर देते थे पंच लाइन हिंदी में लिख देते थे पर फिर उसको आ, सामने से एचआर ने या फिर जब नेक्स्ट राउंड था तो उसने बोला ये चीज तो वो क्या करते है ना वो एक एक करके आपको बताते हैं कि आप कहाँ गए अच्छा से आपने कहा अच्छा से नहीं किया तो उसमें उसने उसको बोला कि यू हैव रिटर्न दिस थिंग इन हिंदी

आर्टिकल के लिए मैं क्या बोलूंगी आप लोग को आई कैन गिव सम आर्टिकल्स आई कैन फॉरवर्ड सम आर्टिकल्स इन द ग्रुप आई विल ट्राई टू फाइंड आउट गुड आर्टिकल्स अभी पीडब्ल्यूसी का ही मैं पहले का कुछ आर्टिकल्स निकालती हूँ आपको भेजती दू एंड वो आप उसमें से ट्राई करो मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी कुछ भेज दूंगी तो सिट डाउन एंड टाइप क्योंकि आर्टिकल राइटिंग आ सकता है ठीक है आर्टिकल आर्टिकल राइटिंग अब ऐसा भी नहीं कि हाईफा इंग्लिश नहीं एकदम यूज कर लिया डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्ड्स वैसा नहीं चाहिए उनको नॉर्मल इंग्लिश चाहिए नॉर्मल पैराग्राफ्स चाहिए तीन चार जितने भी पैराग्राफ्स जितने भी पेजेस उन, उन्होंने आपको बोले बट दे वॉन्ट टू सी कि आप टाइप कैसे कर पाते हो लिख कैसे पाते हो बिकॉज ऑल ऑफ दीज मैटर्स एन यूर वर्किंग राइट आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है अपने क्लाइंट से तो आप कैसे लिख पाते हो कोई चीज अपने आइडियाज को कैसे पुट फॉरवर्ड तो बेसिकली आपको आर्टिकल रीड करना है एंड अपने वर्ड्स में उसको समझाना है क्लियर तो ऐसा नहीं कि इंग्लिश एकदम हाई फाई चाहिए वैसा बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर तो ये सारा चीज है के लिए मतलब बहुत सारा नहीं five to ten बस YouTube videos कुछ कुछ पॉइंट जॉट डाउन करेंगे इफ पॉसिबल एक दो दिन में मैं आप लोग का एक ग्रुप इंटरव्यू करवा देती हूँ सो आई कैन गिव अ टॉपिक टू यू ऑल एंड मैं आप लोग का इवनिंग इसी टाइम पे एक दो दिन में जब आप लोग प्रिपेयर कर लोगे ग्रुप डिस्कशन करा लेते हैं देख लेते हैं कि आप लोग कैसा बोलते हो तो मुझे भी पता चल जाएगा ना आप लोग का भी प्रैक्टिस हो जाएगा सो वी कैन डू दैट तो अभी सेन द ग्रुप वो एक हो गया आर्टिकल राइटिंग एक या दो प्रैक्टिस कर लेना ज्यादा मत करना एक दो करोगे तो चलेगा पास पेपर्स कीप ऑन पास जितना भी आपने पेपर्स अभी तक दिया है जितने भी पेपर्स आपने क्लियर किए हैं ऐसा नहीं जो इस टर्म दे रहे हो उससे मतलब नहीं है क्लियर जितना किया है ठीक है तो इस टर्म जो दे रहे हो डेफिनेटली आपने उतना ही सिलेबस खत्म किया होगा पहले जो आपने क्लियर कर रखे हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लो क्योंकि तो वो डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा एंड कुछ कुछ नॉर्मल जो बेसिक क्वेश्चंस मैंने अभी बताया अबाउट योर सेल्फ फाइव इज डाउन द लाइन अबाउट योर फैमिली एंड वॉट ऑल इंसिडेंट है आपने क्या किया है लॉन्ग विथ स्टडीज आपने अपने लॉकडाउन को कैसे यूटिलाइज किया तो ये सारे का भी पॉइंट्स बना के रख लो या मन में सोच लो कि आप क्या बोलोगे ठीक है ये सब के बारे में डायरेक्टर so, yeah, वो जेनरली uh, सब लोग का नहीं होता जिनका सी एफ जिनका फर्स्ट डे करियर फोकस डे का फर्स्ट डे क्लियर होता है वो डायरेक्टर ऑन में जाते हैं ठीक है विच इज द फाइनल राउंड उसके बाद आपका डिसाइड होता है कि यू आर सिलेक्टेड और नॉट तो ये सारा है एंड ऑब्वियसली वन थिंग यूके के अगर कोई बंदा आ गया आपका इंटरव्यू लेने तो आपको उनका इंग्लिश एक्सेंट अच्छे से पकड़ना है ठीक है तो वो उसके लिए दो तीन वीडियोस मैं उसका भी भेज दूंगी ग्रुप में कि यू नो ब्रिटिश इंटरव्यूज ऐसा करके कुछ निकाल देते न्यूज चैनल इंटरव्यूज निकाल लेते तो क्या है? उनका एक्सेंट आप समझोगे तो आपका थोड़ा हैबिट बन जाएगा कभी सिक्स सेवन डेज में सो so, इतना ही है एक दिन आई विल ट्राई दो तीन दिन बाद आप लोग का एक ग्रुप डिस्कशन रखते हैं मैं टॉपिक पहले से दे दूंगी तो क्या होगा कि उससे आप लोग का भी एक आप आप लोग लोग आपस में ऑल कैन डू को भी एक आइडिया लग जाएगा कैसे बोलना है इवन आई कैन गिव यू अ फीडबैक कि आप लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हो एंड क्योंकि आई डोंट थिंक आप लोग एक दूसरे से वैसे नोन हो तो आप लोग आपस में फिर यू नो यू ऑल कैन डू दैट इंटरव्यू हाँ सलोनी यस टेल मी <coughs> मैम एक्चुअली पीडब्ल्यूसी के भी ब्रीफिंग सेशन हो रहे हैं okay. तो जैसे एक कल है आज का और, so, और मीटिंग ले सकते वहाँ से जो हमको पता चला हम आपको बताए इसीलिए दो तीन दिन बाद हाँ तो तुम लोग का जब वो हो जाएगा ब्रीफिंग्स तुम लोग सब लोग कर रहे हैं ना वो आयोज प्लानिंग मैं कल करने वाली सबका अलग अलग है चिराइय एकदम लॉस्ट क्यों लग रहा है तुमको नहीं पता ऐसा कुछ है एक सेशन अटेंड करना है हाँ, तो वो कर लो कल परसों भी तुम का डेट्स है कर लो और उसके बाद अपने फिर रख लेंगे मेरे को बता देना पर्सनली एक बार वॉइस नोट शेयर कर देना कि तुम को तुमने किया था अटेंड हाँ, अटेंड किया था उसमें आपने जो बोला उससे थोड़ा डिफरेंट बोला है हम लोगों लोगो क्या बोला है हम लोग को बोला है कि हम कोई हमें कोई ईमेल भेजेगी उन लोग हमें कोई सॉफ्टवेयर से हमें मतलब तुम्हारा वॉइस बहुत अटक रहा है एक सेकंड शेष तुम बोलो है? ना जानवी तुम्हारा पूरा कट गया मतलब तुम्हारा आई थिंक कुछ वाईफाई इशू है तुम एक बार कैमरा ऑफ करके बोलो हाँ बोलो मैम अभी ऑडिबल है हम्म हम्म हम्म

वो पूछेंगे वो मना करते हैं पर ऐसा नहीं कि तुम लोग नहीं पढ़ोगे वो पूछेंगे देख लेना पूछेंगे क्योंकि उनका प्री, वो इंटरव्यू में खुलेआम नहीं बोल सकते ये चीज क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट होता है दैट नो जीरो पेपर्स उनका रिक्वायरमेंट है बट क्योंकि आपका पेपर्स क्लियर्ड है तो उनको पता है कि आपका आप बोलोगे वो आपसे पूछेंगे आप हाउ मेनी पेपर्स तब बोलोगे तो वो उनसे डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो तो एकदम बिलीव ही मत करना उनको

Uh, मैम इसमें मुझे मुझे आपसे एक डाउट भी था इसमें, इसमें uh, मुझे एक्चुअली जॉब डिस्क्रिप्शन समझना था क्योंकि मैं जॉब uh, डिस्क्रिप्शन नहीं समझा जैसे मैंने uh, थोड़े बहुत जन से पूछा था, था तो उन्होंने क्या बोला कि इसमें uh, ये जनरल और लाइफ इंश्योरेंस टाइप का नहीं होगा इसमें रोल कंसल्टिंग है, है। हाँ कंसल्टिंग में बट इसके अंदर भी जैसे क्रेडिट रिस्क और ये सब टाइप का है बट इसमें जैसे रोल मेरे को समझना था मैं समझा नहीं किस टाइप का रोल थो? इसमें क्या है ना तुम लोग का क्या होगा तुम लोग के मैं ना टीम्स बनते हैं और वो टीम्स तुम लोग ऐसा नहीं होता पीडब्ल्यूसी में कि की देयर इन दैट टीम फॉर लॉन्ग टाइम टीम्स ना चेंज करते रहते हैं ताकि आपको सबका आइडिया लगे और इसमें कोई कोर इंश्योरेंस नहीं है इसमें क्या है कोई कंपनी के पास प्रोजेक्ट आया कोई एक क्लाइंट आया विद सम प्रोजेक्ट आप उसको डील करो तो क्रेडिट एनालिसिस जैसे तुम बोला एक हो सकते या फिर कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ही पीडब्ल्यूसी के पास आ रहे हैं फॉर सम एडवाइस या जनरल इंश्योरेंस कंपनी आ रही है फॉर सम एडवाइस तो एंड जैसे आपको हो सकता है डेली एक नया चैलेंजिंग कुछ प्रोजेक्ट मिले डेली तो ये बोलते हैं पर इस लेवल पे डेली नहीं मिलता है जूनियर लेवल पे वो एक ही प्रोजेक्ट पे यू वर्क फॉर टू थ्री मंथ्स एंड देन यू शिफ्ट टू अ न्यू प्रोजेक्ट एंड आपको कुछ सीखने भी बोल सकते हैं सपोज ये बोल सकते हैं पाइथन सीखो या कोई एक सीखो क्योंकि वो क्लाइंट यूज कर रहा है सपोज माई क्लाइंट इज यूजिंग पाइथन तो आपको भी पाइथन सीखना पड़ेगा सो दैट यू कैन टेकअप द प्रोजेक्ट तो जनरली इनका ये वर्क प्रोफाइल रहता है सो इट्स वेरी डायनामिक ऐसा नहीं कि यू आर जस्ट फोकसिंग तो ये कोर इंश्योरेंस में नहीं आता है पीडब्ल्यूसी का जो रोल होता है कंसल्टिंग का किसी का भी ये कोर इंश्योरेंस में नहीं आता आपका ये कंसल्टिंग होता है जहाँ पे नए प्रोजेक्ट आते हैं आप उसपे इनको इनपुट्स देते हो मतलब आप अपने टीम के साथ तो इनका काफी ज्यादा टीम वर्क बहुत ज्यादा होता है इनका तो ये जनरली इनका रहता है फोकस बट ये आपसे कभी इंटरव्यूज में नहीं पूछते हैं कि टेला यू नो बहुत सारी कंपनीज पूछते हैं कि वाई आर सिटिंग टेल मी वाई तो वाई पीडब्ल्यू सी यू कैन से बट आपसे कभी डायरेक्टली रिलेटेड टू तो जी डी नहीं जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पूछेंगे ठीक है तो ये इनका एक चीज है बट क्योंकि ये बोल रहे हैं कि एक ही ग्रुप डिस्कशन होगा तो हो सकता है कि, कि फिर ये एक ही लें रिटर्न uh, जो ये बोल रहे हैं ना तो रिटर्न में ये आर्टिकल राइटिंग जैसा एंड हो सकता है डेटा इंटरप्रिटेशन भी करा दे लाइक like, आपको बहुत सारा चार्ट एंड डेटा देके आपको उसको इंटरप्रेट करना पड़े तो वो भी ये करवा सकते हैं और जो ये पर्सनल इंटरव्यू बोल रहे हैं वो जनरली फर्स्ट इंटरव्यू है तो वो एच होता है वॉट आई बिलीव की पक्का डायरेक्टर राउंड रखेंगे पर वो जो डायरेक्टर राउंड होता है वो करियर फोकस डे में इंक्लूडेड नहीं होता है जो करियर फोकस डे पे सिलेक्ट होते हैं वो डायरेक्टर राउंड में जाते हैं राइट तो इसीलिए इन्होंने नहीं बोला है अबाउट द डायरेक्टर राउंड बट डायरेक्टर राउंड डेफिनेटली होता तो है आज तक तो हमेशा हुआ लास्ट टाइम भी हुआ था आई डोंट थिंक कर इन लोग डायरेक्टर राउंड छोड़ेंगे मुझे ऐसा लग रहा है बट मुझे ऐसा भी मैंने आप लोग को दो तीन बार ही बोल दिया कि फोकस ऑन योर ब्रिटिश वाला चीज देख लेना क्योंकि हो सकता है आप लोग का जो इंटरव्यू ले रहा हूँ वो कोई समवे फ्रॉम द यूके ऑफिस हो जरूरी नहीं फ्रॉम द मुंबई ऑफिस हो मोस्ट लाइकली की पीपल फ्रॉम यूके ऑफिस इज टेकिंग योर इंटरव्यू वेरी लाइकली दिस टाइम ठीक है ये मैं आप लोग को एक पहले से बता के रखती हूँ ये उन्होंने नहीं बोला होगा बट आई एम टेलिंग यू ऑल दिस हो सकता है यूके ऑफिस इज टेकिंग योर इंटरव्यू ये चीज डेफिनेटली है सो यू हैव टू अगर पहले ही पी आई दे दिया इन्होंने तो मतलब आप लोग को काफी अच्छा से वर्क करना है ऑन ऑल द क्वेश्चन जो जो मैंने मैंशन किया है काफी अच्छा से उसपे वर्क करू एंड जी डी पे फिर अच्छे से क्योंकि एक ही जी डी है सो यू हैव योर वन शॉर्ट ओनली जनरली पहले दो या तीन होता था इनफैक्ट लास्ट टाइम भी आई थिंक दो हुआ था दो या तीन तो यू हैव दैट शॉर्ट चलो पहली बार ही में अच्छा नहीं हुआ सेकेंड थर्ड बहुत अच्छा हो गया तो so, अभी आप लोग के पास वो चांस नहीं है जस्ट हैव वन चांस तो वो आपको आई थिंक फोकस करना चाहिए एंड लास्टली आर्टिकल एक दो खुद से ट्राई करो लिखने का डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा तो बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगा तो थोड़ा राइटिंग पे भी आपको फोकस करना है चलो बैठ के दो तीन आर्टिकल ही लिख लिया ताकि क्या वो टाइपिंग के हैबिट में रहोगे राइट तो ऑल्दो उन लोग आपका कैमरा ऑफ करके आपको जहाँ तक के राइटिंग का टाइम देंगे आई डोंट थिंक कि कैमरा वैमरा ऑन रहेगा उस समय सो बोल देंगे कि वन आवर के अंदर सबमिट करना है एंड आपको कुछ डेटा दे देंगे बोलेंगे इस डेटा को यूज करके ऐसा ऐसा कुछ लिखो तो हो सकता है ये अटेंड करो वो जो वीडियो उन लोग करवा रहे हैं एंड मुझे बताना फिर पर्सनली कि क्या बोलते हैं तो हम लोग एक और डिस्कशन ऑन रख सकते हैं ग्रुप डिस्कशन तो डेफिनेटली कर ही लेते हैं क्योंकि वो तो हो गई तो एक कर लेते हैं आपस में तुम लोग सब लोग कर लोगे तो कह की एंड आई विल इवेल्यू आई कैन गिव यू अर फीडबैक ठीक है लास्ट टाइम ऑल्सो आई डिड फॉर द लास्ट टाइम ज्यादा लोग थे शायद पता नहीं ग्रुप में तो है बट आई आप लोग चार ही लोगों तो अः मैंने दो ग्रुप्स बना के था इस बार आई थिंक एक ग्रुप ही इनफ है

ठीक है चलो तुम लोग बाकी लोग भी अटेंड करना है को बताना क्या बोलते हैं ठीक right, है। so तो है कुछ -कुछ है, राउंड के लिए डेफिनेटली पूछेंगे फॉर श्योर sure, क्योंकि ये एक घंटा चलता है कितना टाइम दिया शेष पर्सनल इंटरव्यू का एक जन का वैसा मैं कुछ, कुछ है ठीक है तुम भेजो बट जनरली मिनिमम फिफ्टी मिनट्स टू वन आवर तुम लोग का पर्सनल इंटरव्यू चलता है तो तुम लोग सोच लो कि फिफ्टी मिनट्स तक क्या क्या पूछ सकते हैं वो अगर टेक्निकल नहीं तो क्या क्या नॉन टेक्निकल कितना ही कुछ पूछ सकते हैं अबाउट योर लाइफ राइट बट uh, ऐसा नहीं कि तुम लोग तो टेक्निकल पे फोकस नहीं करोगे आई सजेस्ट कर लेना चाहिए हर बार ऐसे है कि no technical, no technical questions, but वो वो में क्या है? वो देखता है जो के मैनेजर्स होते हैं ना, जो इंटरव्यू लेते हैं वो आपसे पूछते हैं आपका कितना पेपर क्लियर है बस शुरू हो जाते हैं पेपर के क्वेश्चन से एंड एकदम डिफिकल्ट डिफिकल्ट पूछते हैं तो वैसा नहीं है, तो है लिखा हुआ हाँ

मैम जैसे अभी कोई आप अगर किसी को जानते हो जो पीडब्ल्यूसी में काम कर रहे हैं खाली आप उनसे खाली एक बार कांटेक्ट करवा सकते हो उन लोग कुछ नहीं बोलेंगे अभी बिकॉज उन लोग का ये रूल्स में नहीं रहता वो मेरे तो मैं तो बहुत जन खुशहानती हूँ मेरे फ्रेंड्स है मेरे काफी लास्ट टाइम भी हुआ था काफी लोग का बट फर्स्टली उनको वन परसेंट भी आइडिया नहीं होता कि क्या होने वाला है ठीक है क्योंकि उनसे एक ये होता है एडमिशन्स का टीम होता है प्लेसमेंट्स का टीम बनाते हैं वो वो टीम जो होता है वो तो कुछ बोलेगा ही नहीं आपको कभी भी बिकॉज़ इट्स अगेंस्ट द रूल्स बाकी जो होते हैं उनको बिल्कुल 1% का आईडिया नहीं होता कि क्या होने वाला है तो वो आपको खाली ये बता सकते हैं कि उनके टाइम पे क्या हुआ था जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया जैसे मैं मुझे जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में समझना था क्योंकि मेरा दूसरी जगह भी हो गया है बट नेको जैसे

और कनेक्ट होने का बात है तो तुम लोग लिंक से कनेक्ट कर सकते हो मैं पूछती हूँ uh, भी तुम लोगों को कुछ नहीं बताने वाला है। जो बताया था मेरे को पता है क्योंकि एवरी लाइक लास्ट में ही लिया था पीडब्ल्यू का इस बार सर वॉन्टेड टू टेक बट सर का ही तबियत खराब हो गया तो मैंने लिया है बट uh, मैं तुम लोग का एक दिन ग्रुप डिस्कशन भी करवा दूंगी तुम लोग को अच्छे से फीडबैक भी दे दूंगी पूरा कि तुम लोग इंडिविजुअली uh, मैं तुम लोग को वॉइस नोट भेज के आई विल गिव यू द फीडबैक कि कहाँ गलत जा रहे हो कहाँ सही जा रहे हो एंड कहाँ इंप्रूव करना चाहिए लास्ट टाइम मैंने पर्सनल इंटरव्यू भी करवाया था सबका सो इफ दिस टाइम अपॉर्चुनिटी आता है इस वीक में मैं सोच से पूछ के तुम लोग का अलग अलग पर्सनल इंटरव्यू भी करवा दूंगी ठीक है ओके ओके थैंक यू तो अगर तुम लोगों को कुछ और इंफॉर्मेशन मिलता है डू लेट मी नो अलग से अगर कुछ